जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, एमटीएस में जो कि 2019 के लिए बम्पर भर्ती निकली है और 22 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हैं, तो आप लोगों को पूरी डिटेल बताएं। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और हमारी जो लाइव क्लास है आप उनसे जुड़ सकते हो, जो कि 6 बजे अभी होगी लेटेस्ट लाइव क्लास मैथ की, तो आप उन सभी क्लास से जुड़ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं इसकी पूरी डिटेल कि इसकी कब लास्ट डेट क्या है और एग्जाम कब होगा, कितनी एजुकेशन चाहिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ बताएंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारत के सभी राज्यों के लिए है, तो याद रखना ये एसएससी की जो भर्ती है भारत के सभी राज्यों के लिए है, सभी जातियों के लिए है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, 10,000 से ज्यादा पोस्ट है। और आपको तीसरा, यहाँ से जो मैं आपको पॉइंट बता दूँ, चलिए यहाँ से हम चलते हैं, जो आपको यहाँ से दिख रही होगी एमटीएस पर, जो कि 22 अप्रैल से होंगे, 10,000 से अधिक पदों की भर्ती। आगे यहाँ से देखो, आपको सूचना की बात की जाए तो यहाँ से 10,000 से ज़्यादा पोस्ट आपको दिख रही हैं 22 अप्रैल से। इसके बाद जो आपको बता दूँ, हाई स्कूल पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास आपको होना कंपलसरी है। यहाँ मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, 22 अप्रैल इसकी ऑनलाइन है, लास्ट डेट है आपकी 22 मई है, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छी खासी डेट आपको दी गई है फॉर्म भरने के लिए। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा अगस्त से 6 सितंबर के बीच में हो जाएगा। सेकंड पेपर, इसमें मैं आपको बता दूं, कई लोगों के डाउट चलेगा कि सेकंड पेपर क्या होता है, तो पहले मैं आपको फर्स्ट का बता दूं। फर्स्ट का पेपर होगा आपका 150 नंबर का, याद रखना ये कितने का होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 150 नंबर का होगा, याद रखना। तो इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपको मैं बता दूं, यहाँ से आपको एक काम करना होगा, एक आपको निबंध लिखने के लिए आएगा, तो वो निबंध लिखना होगा, उसमें आपको जो नंबर मिलेंगे दोनों नंबर को मिला के आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके ये इसका आधार रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा चरण में, यहाँ दूसरे चरण में जो आपका एमटीएस का ये हो गया। अब बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ से एमटीएस की जो आपको प्रवेश परीक्षा जो है आपकी 10 दिन पहले, आपके ऐसे प्रवेश पत्र जो होंगे आपके 10 दिन पहले वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ से, और दूसरे चरण की जो एग्जाम भी हम आपको बता दूं, जो 17 नवंबर को होगी, जो उन्होंने जो कि डेट क्लियर कर दी। आगे बात की जाए एमटीएस नॉन टेक्निकल पदों पर आवेदन, जो कि आप उम्र के लिए बात की जाए 18 से 25 साल के फॉर्म भर सकते। अब बात की जाए इसका सिलेबस क्या होगा, उसे भी मैं बता दूं, मैथ होगा आपका, और आपकी रीजनिंग होगी, आपकी इंग्लिश होगी और जीएस होगी, सभी आधे आधे पार्ट रहेंगे, सभी का बराबर इसमें वेटेज रहेगा, तो आप लोग ये सारा इसका है सिलेबस। तो फ्रेंड्स, सारी न्यूज मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है कि हमने आपके सारे पॉइंट जितने हो गए क्लियर कर दिए हैं। अब आपका काम बनता है कि एक लाइक जरूर करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी लाइव क्लास से जुड़ जाइए। 6 बजे होगी रेलवे की लाइव क्लास मैथ्स की, वही आपकी होगी एसएससी की। तो चलिए फ्रेंड्स, और जीएस की भी क्लास आपको मैं बता दूंगा, आपको हमारी क्लास से जुड़ना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।